त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में एनएसएस की चारों इकाइयों के 3 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का शुभारंभ आज किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास, प्राचार्य महावीर सिंह, हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मंजू शर्मा आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। प्रथम इकाई के कार्यक्रम अधिकारी रविन्द्र कुमार शर्मा तथा द्वितीय इकाई की कार्यक्रम अधिकारी वंदना कुमारी ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। डॉक्टर व्यास ने बताया कि स्वयं सेवक को अनुशासन में रहकर कार्य करने के साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एनएसएस लीडरशिप के लिए भी अवसर प्रदान करता है। इस दौरान पवन कुमार मेघवाल द्वारा पिछले 3 वर्षों में किए गए एनएसएस कार्यों को वीडियो के माध्यम से दिखाया गया। वहीं चूरू के लोहिया महाविद्यालय में जिला स्वीप प्रकोष्ठ चूरू की ओर से एनएसएस अभिविन्यास कार्यक्रम के दौरान आज आगामी विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट देने जा रहे महाविद्यालय के भावी मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। महाविद्यालय में जारी 3 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम के प्रथम दिन करीब 500 स्वयंसेवकों ने मतदान प्रणाली की रीड, ईवीएम और वीवीपैट मशीन की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके देखी। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वीप के जिला सहायक नोडल अधिकारी शांतनु डाभी ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को VHA ऐप के माध्यम से मतदाता सूची में पंजीयन करवाने के बारे में बताया। इस अवसर पर समन्वयक अधिकारी डॉक्टर सरोज हरित, प्रभारी श्रवण कुमार गुर्जर, नरेंद्र वर्मा आदि उपस्थित रहे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ के वार्ड नंबर 16 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आज महिला समूह बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषण माह के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता संतोष शर्मा व सहायिका निर्मला देवी ने मेरा देश मेरी माटी के विषय का महत्व बताया। इस अवसर पर सक्रिय भागीदारी निभाने वाली अनुसा देवी व पाना देवी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौर ने सीवरेज परियोजना के तहत किए जाने वाले सीवरेज घरेलू कनेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हमारी आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मेरा देश मेरा माटी का महत्व बताया गया। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर सभी महिलाओं को भाग लेने वाली सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया। RUDIP के प्रवीण सिंह राठौर ने सीवरेज के बारे में जानकारी दी गई। चूरू के श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज विज्ञान क्लब का गठन विशिष्ट अतिथि अजय शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद जांगिर ने बताया कि वैज्ञानिक व पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की इच्छा के अनुसार छोटे विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों का विज्ञान क्लब गठित कर उन्हें अधिकाधिक प्रेरित किया जाए ताकि वे वैज्ञानिक बनने के लिए तैयार हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 30 सदस्यों के विज्ञान क्लब में छात्रा हर्षिता प्रजापत को अध्यक्ष व मोनिका सैनी को सचिव चुना गया। इस अवसर पर विज्ञान प्रभारी कविता स्वामी, सह प्रभारी हरीश शर्मा, विज्ञान आचार्य ललित शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हर वर्ष की भांति विज्ञान क्लब का गठन किया गया है। इसमें वैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को ये चिंता थी कि विज्ञान में रुचि कम पैदा हो रही है, इसके लिए छोटे स्तर से तैयारी करनी पड़ेगी। फलस्वरूप उन्होंने कक्षा 6 से 10 और 11-12 में विज्ञान विषय में रुचि पैदा करने के लिए विज्ञान क्लब गठन का निर्णय लिया और उनके निर्देशों और उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आज हमारे विद्यालय में विज्ञान क्लब का गठन 2023 के लिए किया गया है। हमारे विद्यार्थी इसमें सक्रियता से भाग लेकर वर्ष पर्यंत होने वाली वैज्ञानिक गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे और विभिन्न प्रकार के वर्किंग मॉडल आदि बना करके विज्ञान में अपनी सक्रियता दिखाएंगे। 67वीं जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता 2023 आज राजगढ़ स्थित आशा देवी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें चूरू के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराते हुए 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत व 2 कांस्य पदक जीते हैं। कोच कविंद्र राठौर ने बताया कि लक्ष्मी नारायण, बिलाल खान, सवन पवार, आकाश
व कबीर ने स्वर्ण पदक जीतकर अपना बेहतर प्रदर्शन दिया। राजल देसर के गांव पायली में आज सुबह घरेलू बात को लेकर एक दंपति में झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घटना के बाद पति ने गांव के पास बने रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं घायल पत्नी विमला की बीकानेर के PBM अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर राजल देसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से घटना की जानकारी ली। राजल देसर थाना अधिकारी रतनलाल ने बताया कि पायली निवासी 30 वर्षीय छगनलाल मेघवाल का आज सुबह किसी बात को लेकर उसकी 25 वर्षीय पत्नी विमला देवी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि छगनलाल ने कुल्हाड़ी से विमला पर वार कर दिया। उसने करीब आधा दर्जन वार कर विमला को लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद छगनलाल घर से भाग गया। कुल्हाड़ी के हमले से घायल विमला के चीखने पर उसकी सास दौड़ कर आई। कमरे में बिखरा खून और लहूलुहान हालत में बहू को देखकर सास ने अपने अन्य दो बेटों और पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। गंभीर हालत में विमला को टेम्पो से रतनगढ़ के गवर्नमेंट जालान अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान छगनलाल ने गांव में बने रतनगढ़ बीकानेर ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं डॉक्टरों ने विमला को प्राथमिक इलाज के बाद बीकानेर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी तक जो सूचना प्राप्त है उसके अनुसार एक महिला झगड़े में घायल हुई और उसकी बीकानेर में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। और इसी बीच ये भी सूचना है कि जो उनके पति हैं वो उनकी बॉडी वहाँ रेलवे ट्रैक पे मिली है। तो इसी संबंध में सारी कड़ियों को जोड़ते हुए आगे अनुसंधान की जा रहा है। ट्रेन में सफर कर रही युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई तथा चलती ट्रेन में ही उसकी मौत हो गई। रतनगढ़ GRP पुलिस युवक को जिला अस्पताल लेकर आई, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। GRP पुलिस के ASI कुलदीप ने बताया कि राजल देसर निवासी 32 वर्षीय वीरेंद्र पारिक अहमदाबाद से रतनगढ़ की तरफ आ रहा था। सालासर एक्सप्रेस में सवार वीरेंद्र की सुजानगढ़ के पास अचानक तबीयत बिगड़ गई। साथ में यात्रा कर रही सवारियों ने घटना की सूचना ट्रेन के चालक व TT को दी, जिस पर TT मौके पर पहुंचे तथा GRP पुलिस को घटना से अवगत कराया गया। जैसे ही ट्रेन जंक्शन पर पहुंची तो GRP पुलिस युवक को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।